ज्यादा कम मत। दोस्तों मैं बाबा फरीद आजाद महानगर अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग पद यात्रा पर हैं और उसका मकसद है कि हम पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आज हमारी पार्टी का जो पद यात्रा है उसमें जो है आज हमने यहाँ पर अपने मजदूर भाई हैं उन सबका हमने यहाँ स्वागत किया है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है मजदूर किसान नौजवान दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों की सब लोगों के साथ है। और आप देख रहे हैं कि जो ये पद यात्रा है आज पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है और इस पद यात्रा का एक ही मकसद है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोगों के दुख और दर्द में शामिल हो। हमारे बीच में हमारे आज हमने अपने मजदूर भाइयों का स्वागत किया हुआ है। आप मुझे ये बताइए आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने आपका स्वागत किया, आपको कैसा लग रहा है? इससे पहले किसी भी पार्टी वाले ने हमसे कुछ नहीं पूछा कि हमारा हालत क्या है क्या नहीं है। मजदूरी हालत बहुत फंसता है और कोई पूछने भी नहीं आता है सब लोग। ऐसे प्रगति से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बाबा फरीद आजाद हमसे आज तक पूछने आए, बहुत अच्छा लगा और हमारी बहुत गौरवशाली बात है ये। तो देखिए दोस्तों आज हमारे सारे लोगों ने हमारे मजदूर भाइयों ने हमें बताया कि हमारा कोई हालचाल भी पूछने नहीं आता था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ता जो है उनसे जो है उनकी बातचीत पूछ जाए। आज आपको कैसा लगा आपका स्वागत समारोह? आपको कैसा लगा और आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हम लोग ऐसी गलियों में जाने का काम कर रहे हैं कि जहाँ पर कोई नहीं जाता कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ता अपना झंडा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा चुनाव निशान चाबी लेकर हम आपके बीच में आ रहे हैं। मैं हम अपने सभी भाई उनसे कहूँगा अपना नाम और अपना अपने बारे में बताएं। मोहम्मद इस्लाम हाजरा बेगम महानगर अध्यक्ष जिले सभा। मोहम्मद मुस्तफी मोहम्मद असीम शहर विधानसभा अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपके साथ, हम जो है फिर एक नई पदयात्रा के साथ आपके बीच में होंगे और हमारी पार्टी का जो है वो क्या कहते हैं एक ही मकसद है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोगों के साथ मिलने का काम करेगा और हमारा मकसद जो है वो जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जो है वो लोगों के लिए जो है उनका उनको उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी और हम सब के बीच में एक ही संदेश लेकर आते हैं कि मजदूर किसान की हमें लड़ाई लड़नी है। आज प्रदेश सरकार के सरकार पूरी तरीके से मजदूर और किसानों के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनके साथ है, उनकी समस्या को उठाने का काम करे। मैं बाबा फरीद आजाद महानगर अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अपने जो है कैमरामैन जफर और अरहान के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत और हम एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने मजदूर भाइयों का स्वागत और उनका अभिनंदन हम लोग यहाँ पर आपका अभिनंदन करते हैं।